बैठ जा राजी नीचे लगौला अब कख न जा पन्याड़ी दाड़ियों का चलो रजनी बैठ जा। कुछ इस तरीके से हमारे चूड़े बने हैं। दोस्तों जय श्री राम, कैसे हो आप सभी लोग। पहाड़ी गलारबी में आपका स्वागत है। दोस्तों सुबह अभी मैं जो ब्लॉगिंग कर रही हूँ वो शाम के 4 बजे से कर रही हूँ। सुबह जो यहाँ पर थी पहले बारिश वाला मौसम हो रखा था और फिर दिन में धूप आई बहुत तेज की, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के लिए धूप रही होगी, तो उस टाइम बहुत अच्छा लग रहा था। और अब आप देखिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अब मौसम कैसा हो रखा है। देखिए पूरे उधर काले बादल छाए हुए हैं और ये धुंध लगी हुई है ऊपर भी देखिए, और मौसम नीचे से तो बारिश आनी शुरू हो गई है हल्की हल्की सी यहाँ से, और पूरा जो हमारा एरिया है वो पूरा हरा भरा हो गया है। देखिए हमारे पूरे पहाड़ हरे भरे हो गए हैं। आजकल माल्टे हो रखे हैं, मतलब अभी माल्टे छोटे छोटे हैं, ये अक्टूबर में खाने के लिए हो जाएंगे। और अमरूद हो रखे हैं। कि ब्लॉगिंग जो है आप लोग सोच रहे होंगे रश्मि 4 बजे से, शाम के 4 बजे से क्यों स्टार्ट कर रही है, तो मैं आप लोगों को बता दूं आज हम कुछ ऐसी चीज बनाने वाले हैं। मम्मी ने मुझे अभी दिन में ही बताया कि आज मैंने तेरे लिए कुछ स्पेशल सा कुछ बनाऊंगी। वो मेरे को ना पहले जब मैं छोटी थी तो बहुत पसंद आता था, उसके बाद खाए नहीं है मैंने कभी, मतलब छोटे में खाया था उसके बाद नहीं खाए। तो अब मम्मी ने मेरे लिए, आप लोगों में से कई लोगों ने इस चीज़ को खाया होगा, अगर खाया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके उधर क्या होता है तो पहले देख लेते हैं क्या बन रहा है। ये दोस्तों मम्मी पता नहीं क्या क्या कर रही है अकेले अकेले बैठ के, चुप चुप से ये तेल भी डाल दिया मम्मी ने। मम्मी क्या बना रहे हो। मिठा चूड़ा तुम्हें अभी नहीं बताई। मेरे वर्क इतनी बताओ जरा बनाने मिले तो कन बन दी दे पर बना से पंडे चूड़ा। और अब बड़े नहीं बनाया तो अब मीठा याद है गया मेरे वाला और मेरे से बने वो खा जा मीठा चौंक चूड़ा तो जरा आज मेरे बाद में बनाई दी देखिए चौंक भी जाए दिन बड़े एकदम तो दगड़े हो प्यार प्रेम छू एक तो छई एक समय बैठा रह छाया चम चूड़ा बनान छाया उन चूड़ा बनान छाया अब तो कभी प्यार नहीं प्रेम नहीं अपर अपर टीवी पर चिप गाँव में निश्चित ही कि आदि मूलब दिनम और हर दिन तो एक समय बैठा रह उठा रह कहीं दगड़ कहीं प्यार न प्रेम न कुछ चल गया सब कुछ हाँ, ठीक होना छो अब कुछ नहीं रह गया। अब बंगुल तो नहीं समय जरा वो अरे एक चूड़ कने लियो है भांगा का। ओ वाओ अरे 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 गैस कम कर रहा हूँ मम्मी। चीनी डाल दी है और अब मम्मी इसमें डालेगी हल्दी। इसमें हल्दी क्यों डालते हैं। पीले जान जरा पीले कलर आ जाता है उसमें थोड़ा सा हल्दी से शायद है ना। तो मम्मी ने थोड़ी सी हल्दी डाल दिया इसमें। वाह तो मम्मी सुनाइए कोई प्यारा सा गाना। ये श्याम लाला गान गान अरे श्याम लाला राम लो है सर श्याम लाला गान फेमस। बोलो बोलो। अरे बैठ जा रजी नीचे लगौला अब कख न जा पन्याड़ी दाड़ियों का चलो रजनी बैठ जा। अरे बैठ जा रजी नीचे लगौला अब कख न जा पन्याड़ी दाड़ियों का चलो रजनी बैठ जा। अरे प्यार बन रजनी नी बोलाऊ बण्यो छो देव देव तो खोनी दुपाणो कनो छो। अरे बैठ जा रजनी ची लगौला अब कख न जा पन्याड़ी दाड़ियों का चलो रजनी बैठ जा।
अरे वाह, अरे मेरी फोटो, मेरी फोटो देखी राजनी लिफा बाप उठेगा। बैठ जा राजनी छी लगौला अब कख न जा, जपने दीदारी का छेड़ राजनी बैठ जा। दगड़े वो म्यार गाँव तक लैप कर आऊँ और कमेंट कर और बंदे लोग लोग सब बाहर दिया तब कमेंट देख। तो मम्मी ने आपको कहा है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी मम्मी का गाना कैसा लगा और आपने चूड़े खाए हैं कि नहीं, मीठे चूड़े। हमारे इधर तो मीठे चूड़े बोलते हैं, तीन प्रकार के चूड़े होते हैं, एक तो चमचूड़े होते हैं और दूसरे गोले चूड़े होते हैं और एक मीठे चूड़े होते हैं। जो चमचूड़े होते हैं उसको, जो हमारा धान होता है उसी टाइम धान को भून के और फिर उसी टाइम कूट के और उसी टाइम कूटा जाता है ना, हाँ, उसको कहते हैं मीठा चमचूड़ा। और गोले चूड़े होते हैं उसको भून के और रख देते हैं, फिर कभी भी आप कूट सकते हो। और मीठे चूड़े ये होते हैं, इनको चावल को भिगा के और फिर, तो ये सारी चीज़ें धान से बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो आप लोगों के उधर चूड़ों को क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे इधर जो चावल से बनते हैं मीठे चूड़े, धान से बनते हैं उसको बोलते हैं मीठे चूड़े, चूड़े और चमचूड़े, गोले चूड़े। और ये जब धान की फसल होती है, धान जब होता है तब बनते हैं ये और बहुत स्वादिष्ट होते हैं। और मीठे चूड़े तो आप कभी भी बना सकते हैं, तो आपके उधर क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी हमारे मीठे चूड़े बन जाएंगे तो मैं टेस्ट करके बताऊंगी। कुछ इस तरीके से हमारे चूड़े बने हैं और अब मैं टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसे बने हैं। एक नंबर, बहुत स्वादिष्ट हो रहे हैं। थोड़े से गर्म है अभी, तो जब ठंडे हो जाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं ये, खाने में मज़ा आता है। अभी मेरी बहन लोग भी आएंगे तो उनसे, मेरी बहन से भी पूछेंगे उसको कैसा लगा और हमारा सरप्राइज कैसा लगा। तो मिलेंगे बस अभी थोड़ी देर में। A few moments later. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मेरी मम्मी ने मेरे लिए चमचूड़ा बनाया और मेरे को सरप्राइज भी था माई के आके, मुझे बड़ी खुशी हुई। और बचपन में हम इनको बहुत ज्यादा खाते थे, बहुत अच्छे लगते थे। इधर उधर जाते थे तो स्कूल में जाते थे तो मम्मी हमको पन्नी में पैक करके देती थी। बहुत मिस करते हैं अभी उन दिनों को, बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखो सोना, आपको कैसे लग रहा, कैसा लगा? मीठे हो रहे, अच्छा। और अक्षर आपको? बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो दोस्तों, मेरी बहन को मम्मी का सरप्राइज बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत अच्छा लगा और मम्मी ने हमारे लिए ये चमचूड़े बनाए। तो थैंक यू सो मच मम्मी, आपने हमारे लिए चमचूड़े बनाए। और आप लोग भी अपने घर पे जरूर ट्राई करें, आपके उधर क्या बोलते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। और मुँह में पानी आ रहा है तो हम पहले चूड़े इंजॉय करते हैं, तब तक आप हमारी ब्लॉग को देखें और ढेर सारा प्यार करें और आप भी अपने घर पे जरूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी होते हैं। तो मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक ले बाय, टेक केयर।